नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि बिना नियम, बिना परहेज, बिना ब्रह्मचर्य चलते उठते बैठते सोते जागते राम नाम के मंत्र का जाप करने पर कितने दिन में दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। जो लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, उन सभी लोगों को पहले तो बहुत बहुत बधाइयां अयोध्या के लिए। और मैं अपने ईष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूं कि आप सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और टॉपिक भी आज का राम नाम से जुड़ा हुआ है। हम सब लोग कई बार जय श्री राम के नारे लगाते हैं। और ये बात गूगल पे भी अभी एक सर्वे हुआ था, उसमें पाई गई है कि सबसे ज़्यादा दिन भर में ये वर्ड यानी 200 करोड़ बार एक दिन में ये वर्ड बोला जाता है। तो राम नाम की महिमा अपरंपार है। जितने भी श्री राम प्रेमी हैं, जो कि भगवान विष्णु के ही एक अवतार हैं, उन्हीं के बारे में आज आपको मैं बता रहा हूँ। राम जी के जितने भी चमत्कार हैं, उसका चमत्कार के बारे में मैं कथा पहले भी सुना चुका हूँ। राम जो शब्द है उसका उल्टा होता है मरा, और मरा का उल्टा होता है राम। मतलब जिस शब्द का उल्टा मरा हो और फिर भी उसमें इतनी पवित्रता हो, इतनी पावन शीतलता हो, तो उस शब्द के क्या मायने होंगे मैं और आप में से कोई भी बयान नहीं कर सकता है। दो अक्षर का ये नाम जो राम है, इसको स्वयं भोलेनाथ भी जपते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं। प्रभु रामचंद्र जी का नाम जो भी राम राम जपता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे जिंदगी में सारे सुख मिलते हैं। अगर मैं बात करूं कि मंत्रों में महामंत्र कौन सा है, तो भी यही शब्द आता है कि हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगर मोक्ष की बात आ जाए, सीधे सीधे मोक्ष का जो अधिकार प्राप्त है वो श्री हरि नारायण को प्राप्त है। मोक्ष की बात कर रहा हूं यहां पर मैं, क्योंकि इसलिए ये शब्द जोड़ा गया है कि जो मोक्ष शब्द होता है वो जगत के पालनहार को मिलता है, उसकी जिम्मेदारी जगत के पालनहार के पास होती है, वही आपको मोक्ष दिला सकते हैं। ये भी जिंदगी का एक सच है। तो जो लोग भी ज्यादा लंबे मंत्र को जाप नहीं कर सकते हैं, अगर वो चलते उठते बैठते राम नाम का जाप करते हैं, तो उन्हें कितने दिन में दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। अब ये दिव्य दृष्टि है क्या? दिव्य दृष्टि का मतलब है कि एक ऐसी दृष्टि, एक ऐसी आंख, एक ऐसी आईज जो सब कुछ देखने में संभव हो, जो भविष्य के बारे में पता लगा ले, जो किसी को देखते ही उसके बारे में, उसके अतीत के बारे में जान जाए। महाभारत के समय में आप जानते ही होंगे, धृतराष्ट्र जी को भी संजय पूरे महाभारत का कैसे वर्णन बता रहे थे। और इवन जब गीता उपदेश में भगवान ने अपना विराट रूप लिया था, तो अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। तो ये दिव्य दृष्टि वही चीज है, और अगर आपको चाहिए है तो ये एक दुर्लभ साधना है। इतना आसान नहीं है जितना ये बोलने में लगता है, दिव्य दृष्टि। अब जब चीज दिव्य है तो चीजें भी दिव्य तरीके से करनी होगी, तभी ये दृष्टि प्राप्त होगी। जब भी आप किसी भी तरीके से बिना पूजा पाठ के, साधना के, बिना परहेज के, किसी भी चीज के आप इसका मंत्र जाप स्टार्ट करते हैं, तो मैं आप एक कुछ चीज बताना चाहता हूं, ये जिंदगी का कड़वा सच है कि आपकी जो साधना है वो ज्यादा टाइम लेती है। क्योंकि पूरा खेल साधना में ध्यान का है, क्योंकि अगर आप चलते उठते बैठते ये चीज कर रहे हैं तो आपका दिमाग कहीं और है। लेकिन चलते उठते बैठते में अगर आपने 1000 मंत्र करे हैं और आपने ध्यान लगाकर 108 मंत्र, केवल 108 बार चैंट, 108 बार जाप किया, यानी एक माला किया है, तो वो भी बहुत होता है।
क्योंकि पूरा ध्यान आपका उसमें ही है। तो ये आपके इच्छा शक्ति, आपका पूर्ण विश्वास, आपकी दृढ़ता और आपका उस मंत्र के प्रति समर्पण पर निर्भर करेगा कि कितनी जल्दी आपकी दिव्य दृष्टि खुले। कोई भी इंसान जब सबसे पहले किसी भी ध्वनि का जागरण करता है, पूरा खेल मंत्रों के उच्चारण का है, जो वाइब्रेशंस का है। जब भी आप राम राम कहते हैं, राम, तो ये जो कंपन होता है, ये कंपन आपके शरीर में सबसे पहले मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है। तो सबसे पहले ऐसा इंसान काम वासनाओं से विमुख होता है, वो समझ जाता है कि सब बेकार की चीजें हैं, और इसीलिए इस काम वासना के ऊपर उठने के लिए ही यहाँ के जो देवता हैं वो श्री गणेश जी हैं। क्योंकि बुद्धि सबसे पहले इंसान की काम वासना में ही भ्रष्ट होती है, इंसान इसी में लिप्त रहता है। तो जब यहाँ से ये ऊपर उठता है तब वो जाके फोकस कर पाता है। तो उसके बाद उसको जैसे ही वो थ्रोट चक्र पे पहुँचती है, वहाँ पर उसके गले में जो विशुद्धि चक्र होता है वो जागृत हो जाता है। तो उसके गले के कारण उसके वाणी में एक जादू आ जाता है और जो चीज़ें होती हैं वो सच होने लगती है, उसे मिल जाती है वाक सिद्धि, यानी वाक सिद्धि बोलता है वो पहले। तो इतनी आसान नहीं है कि डायरेक्ट आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, आप सीधे थर्ड आई पे फोकस करें। और मैं तो कहता हूं कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि कुंडलिनी जागृत करते हैं और सीधे जाके आज्ञा चक्र थर्ड आई पे फोकस करते हैं। ऐसे लोग विचित्र हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो पहले आप समझिए कि साधना एक लंबा चक्र है। और मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप राम का जाप लें, नमः शिवाय करें, ओम करें। सबसे जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है उस मंत्र के प्रति आपकी आस्था, डेडिकेशन। भगवान एक पत्थर है और पत्थर पे आपकी कितनी आस्था है उसके हिसाब से ही प्रभु आपको दर्शन देंगे, अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर ही रह जाएगा। तो आपकी कितने उस पर अच्छे प्रकार से आस्था है, किस उच्चारण से आप कितनी शुद्धता के साथ, कितने लय के साथ आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, पहला ही ये चरण है। दूसरा आपका धैर्य, धैर्य के बिना कुछ नहीं होना है। अगर आप निश्चित तरीके से एक सच्चे लगन के साथ, सच्चे धैर्य के साथ, सच्चे मन से करते हैं तो निश्चित ही आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है, चीजें आपको दिखने लगती हैं। मैं फिर से इस पूरे वीडियो का एक सार बताता हूं, नॉर्मल सा एक संक्षेप में, कि अगर आप चलते बैठते उठते फिरते इस मंत्र का, राम नाम का जाप करते हैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कई ऐसे कारण हो जाते हैं, जैसे हम खाना बना रहे हैं तो हमारा ध्यान खाने की कढ़ाई पे है, खाने के तवे में है, गैस में है, रोटी में है, तो हम उस तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं। तो 24 आवर्स में अपने लिए भले केवल 10 मिनट दें, लेकिन सही तरीके से दें, तब आपकी दिव्य दृष्टि जरूर खुलेगी। आशा करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो से कुछ तो ज्ञान जरूर प्राप्त हुआ होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे चैनल पर पहले से हैं उनका अभी तक के सफ़र के लिए बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया, धन्यवाद। नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।